हाय गाइस, तो वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं मास्टर टर्न का रूट है हमारे पास। ट्रक हमारा लोड हो चुका है, तो अभी हम हैं यार्ड में। तो यार्ड में आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। ये है यार्ड अपना, ये सारा यार्ड है, ठीक है। तो अभी हम यार्ड में हैं। मास्टर टर्न का हमें डायरेक्ट रूट मिला है अभी, तो फिर वहाँ से हमें पामस्टर नॉर्थ हमें वापस आना होगा। तो पामस्टर नॉर्थ वापस आने के बाद हमें वहाँ से लोड मिलेगा, शायद हमें ऑकलैंड का मिलेगा डायरेक्टली, या फिर मोस्ट ऑफ द चांसेस हमें ये होते हैं कि रोटोरुआ या फिर टोरंगा जाके फिर हम वहाँ से ऑकलैंड आते हैं, या फिर वहाँ से हमें क्राइस्टचर्च का लोड मिल जाता है वापस, ठीक है। तो अभी ये सीन है, लोड हो चुका है, अभी हम यार्ड में हैं। और मैं अभी एक्चुअली ये दूसरे वाले कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ, उसका नाम है DJI Osmo Pocket, तो मैं उससे शूट कर रहा हूँ। एकदम छोटा सा है ये, तो मुझे वीडियो क्वालिटी बताना कि आपको कैसे लगी है, ठीक है। तो जो भी जिसमें मैं होऊंगा, मतलब जिसमें मेरा फेस आ रहा होगा, वो इससे बनेगी वीडियो आज के बाद। और जो फ्रंट वीडियोस होंगी, मोस्ट ऑफ द वीडियोस मैं इससे बनाऊंगा जो ड्राइविंग के टाइम पे होंगी वीडियोस, ठीक है। ये GoPro 10 है शायद, हीरो 9 है शायद, हाँ, तो इससे बनेगी। तो ऐसा सीन है अभी। तो अभी मेरे को खाना खाना है, मैंने अभी खाना नहीं खाया, तो मैं अभी जहाँ पे हम अपना फ्यूल डलवाते हैं वहाँ पे जाऊँगा मैं। तो वहाँ से मैं लूँगा पाइनएप्पल एंड चीज़ सैंडविच, ठीक है। ये यहाँ पे मिलता है, बहुत अच्छा है टेस्ट में, और साथ में लूँगा हॉट चॉकलेट, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे फिर, ठीक है। आप बने रहिए साथ में, तो चलते हैं अपना ट्रिप स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमें DG की प्लेट लगानी थी, हमें हमें DG की प्लेट लगानी थी, हमें डेंजरस गुड की, वो भूल गए थे, तो वो हो गया काम। चलो चलते हैं। और कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वो कब आएंगे? जा रहे हैं कहाँ? मैं जा रहा हूँ कितना? मैं वो जा रहा हूँ मास्टर टर्न। आप ये मास्टर टर्न आपका ही रूट लगाया जो मेरे को दिया था आपने? दो मिनट पार्क कर, बस मैं लेके आऊंगा। अच्छा अच्छा, तो गाइस ये बंदा है जिसने मुझे थोड़ा बहुत ये बड़े वाले ट्रक चलाने सिखाए थे, जिसने मुझे रूट से फैमिलियर करवाया था, तो बहुत ही अच्छा लड़का है। तो अभी आ रहा है बस थोड़ी देर में। चलूं क्या मैं? अच्छा ओके ओके।
ठीक है ना? ठीक है बस कोई ना। ओके और जा रहे हो आ रहे हो जा रहे हो वेलिंगटन? चलो फिर साथ में चलते हैं। मास्टरटन जाना? हाँ मास्टरटन जाना है, वही आपने जो रूट बताया वही बढ़िया लगता मुझे। हाँ वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है वो, सबसे बेस्ट है। दूसरा रास्ता जाता है इतना आपको तो नेपियर, हाँ मास्टरटन वो थोड़ा ही लंबा है। हाँ वो, हाँ वो थोड़ा ज़्यादा लंबा आएगा। ते वो तीजा वो आएगा, वो जो वेलिंगटन तो जानता है वो, यानी वो वेलिंगटन से जब वो लोअर हट नो जब कट लेंदे, हाँ हाँ वो बहुत ज़्यादा औखा है, बट बहुत औखा रूट है वो। प्रैक्टिस हो जाती है वो। मेरे को याद है मैं जा रहा था वेलिंगटन से उधर, तो उधर से ट्रक आ रहा था, वो मेरे को साइड देने के चक्कर बेचारे के ऊपर से ट्रक लग गया पहाड़ पे। तो से आगे। ना वो जो वेलिंगटन से लोअर हट की तरफ जो मास्टरटन जाते हैं, जो लोअर हट वाला जो रोड है ना बीपी वाला, वो सीधा रोड जाता है मास्टरटन। अच्छा उधर, हाँ वो काफी टर्न आते हैं। हाँ वो बहुत खतरनाक रूट है वो, वो कंट्रोल पे रखना चाहिए, बहुत ज्यादा खतरनाक है। वेलिंगटन से आ रहे हो तो मास्टरटन जाना हो तो वही रोड है। मास्टरटन मास्टर से पामी है, पामी में लोड कह रहे, पता नहीं कितने बजे आएगा लोड, पता ही नहीं आएगा। ओके तो मास्टर बसों तो फ्री होके पामी आसा इतना जितना लोड है। हाँ हाँ वो तो, हाँ वो तो खाली आ जाना, मैं वो तो कोई चक्कर नहीं आएगा, बढ़िया चल गया काम। हाँ बढ़िया आएगा, तो नहीं आई। नेल्सन वाला सीन बताया, ये लड़कों ने बताया कि ट्रक फंस गया था। मेरा वाला बताया था सीन, मेरा वाला ही ना। हाँ हाँ वो बैक करके वापस नहीं हो रहा था मुझसे वहाँ पे, सीधा सीधा तो आ जाता है रिवर्सिंग, बट अभी एंगल जैसे पूरे एंगल पे ना, अब जैसे इतने एंगल पे भी है ना तो मैं इसको सीधा कर लूँगा, ठीक है। बट अगर वो कह दिए ना, जैसे डॉक पे अगर कह दिए कि सीधा लगा दो, बट वो ये आगे स्टेयर आगे सामने और थोड़ा सा आगे यूँ टेढ़ा है, बट वहाँ जगह नहीं है ना मोड़ने के लिए, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है फिर, क्योंकि खुली जगह चाहिए होती है ना मोड़ने के लिए इधर उधर करने के लिए। हाँ तो उसमें रहता थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, हाँ चलो कोई नहीं, ओके मैं निकलता हूँ फिर। तो भाई ये अपना फ्रेंड सीगा, बहुत ही चंगा फ्रेंड है, मतलब थोड़ी बहुत पंजाबी निकल जाती है क्योंकि मेरे को पंजाबी आती है बोलनी। तो फ्रेंड था अपना, मुझे पंजाबी आती है बोलनी, तो थोड़ा बहुत मैं पंजाबी में बात करता हूँ उससे, क्योंकि अच्छा रहता थोड़ा सा। ये जा रहा है वेलिंगटन, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ मास्टरटन, दोनों ही वेलिंगटन में है एक्चुअली, बट थोड़ा सा गैप है, लगा लो 120 या 130 किलोमीटर का गैप होगा। तो ये अपना गोरा आएगा इधर, गोरा नहीं सामोन या मोरी टाइप है, उसको बताना आएगा। है ही नहीं अंदर नहीं है, तो चलते हैं। अब जर्नी हमारी कंटिन्यू हो गई है, मेरे को ना एक दो लोगों ने कमेंट करा कि आप फ़ोन क्यों लगाते हो, बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगता है मुझे ऐसे करके लोगों ने कमेंट करा। तो मैं एक्चुअली ये इसलिए लगाता हूँ क्योंकि ये ना अपडेटेड रहता है यहाँ पे, कई बार मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा ये अपडेटेड रहता है, जब भी रोड ब्लॉक्स होते हैं, रोड ब्लॉक मतलब जब रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए रोड ब्लॉक्स वगैरह होते हैं तो ये अपडेटेड रहता है, ये मुझे अल्टरनेटिव रूट्स बताता रहता है। तो उस चक्कर में ना मैं इसलिए इसको क्या कहते हैं मैं लगा के रखता हूँ। मुझे याद है जब मैं मास्टरटन गया था तो मुझे डीजल वहाँ पे नहीं मिला था, तो फिर मुझे काफ़ी दूर आके भरवाना पड़ा था वायरू पे,
वायरू जो है वो वहाँ से लगभग 200 समथिंग किलोमीटर होगा, तो डीजल ऐसे होता है। तो ट्रेलर हमारा जो है वो भरा नहीं है इतना, क्योंकि मास्टरटन ना एक छोटी सिटी है तो, और बहुत ही काम सिटी है, अगर किसी को रहना हो ना, बहुत ही शांत सिटी है, काइंड ऑफ विलेज है, या है ही विलेज वो, तो बहुत ही अच्छा एरिया है। अगर मेरी चॉइस हो तो एक्चुअली मेरा तो सारे न्यूजीलैंड ही, अगर रहने के लिए मैं चाहूँ तो, क्योंकि लोकेशन ही इतनी अच्छी है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह के 7 o'clock हो रहे हैं मॉर्निंग के, और हम अभी 80% हमने अपना रूट जो है वो कवर कर लिया है, और ये रूट एक्चुअली बहुत ख़तरनाक है जहाँ से हम जा रहे हैं, मगर एट द सेम टाइम मुझे आपको कुछ चीज़ दिखानी थी। यहाँ पे विंड टर्बाइंस यहाँ पे बहुत सारी हैं लगी हुई, और हम विंड टर्बाइंस के बीच में से निकलेंगे। एक तो ये है, शायद आपको दिख नहीं रही होगी, मगर यहाँ पे बहुत सारी विंड टर्बाइंस हैं जो हमेशा चलती रहती हैं, क्योंकि ये विंड टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी बहुत निकालते हैं यहाँ पे। और ये स्टीप बहुत है, स्टीप है हम अभी, ये भी विंड टर्बाइन आपको शायद दिख रही होगी, ये भी विंड टर्बाइन, अभी और भी आएंगी, सामने भी आती हैं व्यूज़ में, बट अगर जब वहाँ से आते हैं ना तो बहुत अच्छा व्यू होता है जब सामने से आएंगे हम। शायद हमें यहाँ से भी अच्छा व्यू दिखे कुछ विंड टर्बाइंस का। ये भी जलेबी जैसी रोड है, आप देख रहे होंगे यहाँ जलेबी सी बनी हुई है। देखो ये टूटा हुआ है बैरिकेड, ठीक है, कोई गाड़ी या ट्रक कुछ गिरा होगा। ये देखिए सारा साइड में सारा बैरिकेड टूटा हुआ है, कोई और भी बंदा होगा यहाँ पे, आपने देखा नहीं होगा, मैंने भी अभी लास्ट में देखा है। वो देखिए सामने विंड टर्बाइंस कितनी सारी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारी हैं, साइड में भी लगी हुई हैं बहुत। वो देखिए कितने सारे विंड टर्बाइंस हैं, ये देखिए ये व्यू अच्छा है मेरे को तो, ये व्यू अच्छा लग रहा है, कितना क्लोज है। वो सामने को कितनी सारी विंड टर्बाइन्स है, अभी देखिए ये थोड़ी सी ख़तरनाक रोड है, यहाँ पे स्लिपरी है, बारिश भी है और डाउन साइड भी है, डाउन हिल भी है, और ऊपर से जलेबी जैसी रोड है, ऊपर से जो जिस साइड खाई है उसी तरफ ही झुकी हुई है रोड, ठीक है, सारी सिचुएशंस ख़राब हैं इधर अभी इस टाइम पे। अब मैंने देखिए मैंने नंबर 4 का इंजन ब्रेक लगाया हुआ, इसमें 6 इंजन ब्रेक होते हैं, नंबर 2 कर दिया अभी क्योंकि ज़्यादा स्लो हो रहा था। अब मैंने बिल्कुल स्पीड छोड़ी हुई है, अभी स्पीड नहीं है, 40 पे उतर रहे हैं हम नीचे। मौसम देखिए आप, मौसम बादल ही बादल है, सब सब बादल में, कोहरे में सब ढके हुए हैं पहाड़।
टेम्परेचर है हमारा 6 डिग्री टेम्परेचर है अभी, और बहुत ही प्यारा मौसम है, सही बता रहा हूँ। यहाँ पे ना सारा इंजन ब्रेक का ही काम है, इंजन ब्रेक नहीं है तो आप खाई में कूद जाओगे। इंजन ब्रेक होने बहुत ज़रूरी है इधर, क्योंकि नॉर्मल ब्रेक तो काम ही नहीं करेंगे। तो ये हमारा सारा डाउनहिल था, सारा डाउनहिल था हमारा ये, ठीक है। और ये एक्चुअली अब एक गांव स्टार्ट हो गया है, इसका नाम है वुडविल है, तो बहुत ही अच्छा गांव है और बहुत ही शांत है। ये तो अभी आउटसाइड एरिया गांव का, यहाँ पे भी घर है अंदर जा जाके, इनके खेत वेत होंगे। तो अभी हम वुडविले में एंटर हो रहे हैं एक्चुअली, और ये मुझे ये गांव बहुत पसंद है, क्योंकि ये बहुत ओल्ड फैशन टाइप है, जैसे 18 सेंचुरीज में या 19 सेंचुरीज में, अर्ली 90s में ऐसा होता था ना घर, मतलब जो लोकेशंस जो होती थी। यहाँ से अगर हम सीधा चले जाएंगे तो वो वैसी लोकेशन स्टार्ट हो जाती हैं, ओल्ड, एकदम ओल्ड जो होते हैं जगह, वैसी ओल्ड लुक अब आपको महसूस होने लग जाएगा। और बट हमें यहाँ से राइट होना है अभी, तो हम राइट हो जाएंगे। So we gonna take this right. ये देखिए old fashion buildings हैं ये एकदम। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक भी बंदा नहीं है बाहर, अभी एक भी बंदा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग है इस करके नहीं है, मैं यहाँ पे दिन में भी आया हूँ, ठीक है, रात में भी आया हूँ, जैसे 6-7 बजे के जो शाम का टाइम जो होता है तब भी आया हूँ। पीक आवर्स कह लो जो आप होते हैं, जैसे दोपहर का हो गया, ठीक है, तब भी आया हूँ, बट यहाँ पे लोग नहीं होते अब भी। देखिए अभी भी खाली है और वैसे भी खाली रहता है ये देखिए कितने पुराने घर, ये घर देखो कितना पुराना है, सारे घर ऐसे ही है यहाँ पर।